हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीम्स एप्लीकेशन के थ्रू आप रिटर्न होमवर्क या रिटर्न असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। ठीक है, सो पहले आपको टीम्स एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप बाय डिफॉल्ट देखोगे कि आप जिस क्लास में ऐड हो आपका टीम्स एप्लीकेशन में वो विंडो दिखेगा, फर्स्ट जो क्लासेस अवेलेबल है वो। बट आपको ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो है टीम्स और कैलेंडर के बीच में, जो कि असाइनमेंट है। नीचे के साइड में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका क्लास दिखेगा, आपको आपके क्लास पे क्लिक करना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। अब जब आप क्लास पे क्लिक करते हो और असाइनमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि असाइन के अंदर आपको एक क्लास प्रैक्टिस की एक फाइल अटैच करके मिली है और उसके साथ आपको कुछ डिटेल्स है, जैसे कि 30 पॉइंट्स है अगर आप इसको कंप्लीट करके सबमिट कर रहे हो तो, और ड्यू टुमारो टाइमिंग मिला है आपको, मतलब एक ड्यू डेट है। ठीक है, अब मुझे इसको चेक करना है तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे जैसे वो फाइल का नाम है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है सॉल्व केयरफुली, रेफरेंस मटेरियल में वो फाइल है और माई वर्क में आपको जो उसको रिस्पॉन्स सेंड करना है वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट इस फाइल को डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे आपकी फाइल दिखेगी। डाउनलोड करने के लिए आपको आपके राइट साइड विंडो में तीन डॉट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप इसको आपके नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप उसके फ़ोटोज़ निकाल के ऐड वर्क, जो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है माई वर्क के अंदर, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन है अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, उस पर क्लिक करना है। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट इमेज, एक इमेज मैंने ऑलरेडी एक क्लिक करके रखी है तो मैं उस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप आपके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिख के उसको फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो और उसको फिर अटैच कर सकते हो, तो उसको मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। आप इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ भी अटैच कर सकते हो, जैसे अभी एक इमेज ऐड की तो वहाँ पे वापस ऐड वर्क करके अब उसको, और अगर आपके पास असाइनमेंट के इमेजेस है तो वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको अब इसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, राइट साइड में टॉप साइड में आपको टर्न इन का ऑप्शन है, टर्न इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सो टर्न इन पे क्लिक करोगे सो आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा।